नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए दो और श्रद्धालुओं की मौत, दोनों को अचेत अवस्था में पहुंचाया गया स्वास्थ्य केंद्र। जानकी चट्टी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में एक यात्री की मौत हुई थी और यात्रा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये बेहद दुखद खबर है। जानकी चट्टी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है दो तीर्थ यात्रियों को। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में एक यात्री की मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी, और अभी तक लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अमूमन हम देखते हैं हर वर्ष जब ये यात्रा सीजन शुरू होता है तो लोगों को इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ जाता है। मौत का आंकड़ा इस वजह से है क्योंकि ये स्वाभाविक मौत होती है, क्या वजह मानी जा रही है? जी रोहित, देखिए, चार धाम यात्रा को शुरू हुए अभी 5 दिन हुए हैं और अभी 5 तक जो है जो मौत का आंकड़ा है और 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। और ऐसे में शुरुआती दिनों में ही 6 लोगों की मौत होना ये बड़ी बात है, जिसको लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की जो है व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, लोगों की जो है मौत लगातार हो रही है। और एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बयान देते हैं कि जो लोगों की मौत हुई है वो हॉस्पिटल में नहीं हुई है, 3 लोगों की जो शुरुआती दिनों में मौत हुई है, हालांकि कल 2 लोगों की मौत हुई। ऐसे में इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये और भी बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में ले जाने तक की सुविधा जो है श्रद्धालुओं की नहीं है, जिस वजह से उनकी मौत हो जा रही है। और ऐसे में कई कारण जो है जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई कारण उसके सामने भी निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से भीड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और यमुनोत्री धाम की अगर बात की जाए तो बीते दिन जो है दो श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार यमुनोत्री का वीडियो सामने आ रहा था जिसमें काफी भीड़ जो है वहां पर देखने को मिल रही है और जो संकरी रास्ता है वहां पर नीचे खाई है और ऊपर पूरा जाम जो है लोगों का लगा हुआ है। तो ऐसे में अरुण, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल जब यात्रा होती है तो अमूमन जो सरकार के मंत्री हैं वो भी इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जो गर्म प्रदेशों से होके आते हैं और ऐसे में ऊंचाई के इलाकों में एकाएक ठंड होती है और यात्री जो है हरिद्वार ऋषिकेश सबसे पहले पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं विश्राम नहीं करते, हपड़ तपड़ में यात्रा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे में शरीर जो है क्लाइमेटाइज नहीं हो पाता। ये एक मुख्य वजह मानी जा रही है, पिछले वर्ष भी यही वजह मानी जा रही थी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए क्लाइमेट चेंज का भी काफी ज्यादा असर जो पड़ता है क्योंकि जो गर्म इलाकों से जो लोग आते हैं, अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, यहाँ पर पहाड़ी वाले पहाड़ी पर जब जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज का काफी इशू होता है। और ऐसे में ये भी एक कारण है कि जिससे कई लोगों की जो है स्वास्थ्य भी खराब होता है और उनकी जो है मौत भी उस वजह से हो जाती है। लेकिन इसको लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं लगातार, हालांकि प्रशासन की तरफ से ये भी एसओपी जारी की गई थी, जो लोग इस तरीके की जिन्हें दिक्कत है या जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी भी जो है स्क्रीनिंग लगातार की जाएगी। और ऐसे में जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य चेकअप होगा। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो है 44 डॉक्टरों की तैनाती भी जो है अधिक की गई है। लेकिन किस तरीके से जो है वहां पर चेकिंग हो रही है और ऐसे में आज जो लोग आ रहे हैं उन्हें किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, हालांकि लगातार इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो शुरुआती दिनों में ही 6 लोगों की मौत का आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है। और ऐसे में जो है जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं और चारधाम यात्रा जो चल रही है उसमें कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर लगातार जो है सवाल अभी तक खड़े हो रहे हैं। चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बाजार बंद किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तीर्थयात्री जाम की वजह से गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार यात्रा के संचालन में विफल हो रही है। पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे कि तुम आज यहाँ पर आते क्यों? आते क्यों यहाँ पे? ऐसे बोला ना पुलिस वालों ने। किस पुलिस वाले ने कहा और क्यों कहा यह पता करना आसान नहीं है,
लेकिन इतना तो साफ है कि इस वर्ष शुरुआत से ही चार धाम यात्रा सवालों के घेरे में है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या देश के किसी अन्य शहरों से पहुंच रहे यात्रियों में शासन प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। लोग चार धाम यात्रा मार्गों पर हंगामा कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यानी कि कल रात 8 बजे से अभी तक मुझे आगे नहीं जाने दिया गया और मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो क्यों हम लोगों को टीवी पे चैनल पे दिखा दिखा के बुलाया जाता है। उत्तराखंड में आइए, चारों धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या व्यवस्था है? यदि सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है तो उसमें ऑनलाइन ये जो करा रहे हैं इसको बुकिंग बंद कर दिया जाए और कितने लोगों को पहले रोड पे लोग खड़े हुए हैं 48 घंटे 56 घंटे से, उन लोगों की यात्रा संपन्न कराई जाए। उसके बाद इसके इस अगर ये कारगर सरकार कर सकती तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अजीब लगता है कि महीनों पहले ही विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और जब यात्रा की शुरुआत हुई तो अब तीर्थ यात्रियों को यह कहना पड़ रहा है कि सही व्यवस्थाएं इस बार नहीं की गई है। उत्तरकाशी में तो यात्रियों ने यहां तक कह दिया कि शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि तैयारियों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कहां खर्च कर दिए गए जब रास्ते में कहीं भी शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। बाथरूम अच्छा नहीं है, पानी बराबर नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं है, होटल अच्छा नहीं है, वाटर प्रॉब्लम बहुत है पब्लिक को, रोड अच्छा नहीं है, ट्रैफिक का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, कंट्रोलिंग अच्छा नहीं है, इधर आना जाना में बहुत मुश्किल है। हम इतना दूर से हैदराबाद से आया यहाँ, इधर सहूलत कुछ भी अच्छा नहीं है, इधर थोड़ा पूरा मेंटेन करके अच्छा रखे तो बहुत अच्छा रहता लोगों के लिए, दर्शन करने के लिए भी बहुत मुश्किल है, इधर लाइन 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 वालों का बहुत जरूर है। इधर चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, इसमें कोई शक नहीं। कपाट खुलने के बाद अप्रत्याशित रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है, चारों तरफ जाम ही जाम है। हालांकि उत्तरकाशी पुलिस ने यमुनोत्री में वन वे गेट व्यवस्था शुरू की है, पर संकरी मार्गों के कारण यह व्यवस्था भी फेल होती दिखाई दे रही है। आप लोग कब के चले हुए उत्तरकाशी से? कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए। और उत्तरकाशी से कल सुबह कितने बजे? 4 बजे। रास्ते में क्या सुविधा? कुछ भी सुविधा नहीं, जाम इतना मिला, बहुत जाम मिला, जाम ही जाम, जाम ही जाम। खाने पीने की दिक्कत? बहुत दिक्कत हुई खाने पीने की, पुलिस पर कोऑपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, फिर हमने हाई हल्ला मचाया था, थोड़ा सा आगे निकाला हमें, बहुत दिक्कत। पुलिस वाले कह रहे हमारे सरदार जी हमारे पास मत आओ। नहीं, पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे कि तुम यहाँ पर आते क्यों यहाँ पे, ऐसे बोला उन्होंने पुलिस वालों ने। मतलब हम मैनेजमेंट से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है मैनेजमेंट। जब आपके पास सुविधा नहीं है तो आप वहीं पे गाड़ी रोक दीजिए ना, नीचे रोक दीजिए ताकि पब्लिक परेशान ना हो ऊपर आकर। और रेस्टोरेंट में सारा खाना खत्म हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन तो जिम्मेवार है। हम बहुत काफ़ी खुश नहीं हुए, मतलब यात्रा पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बिल्कुल भी कुछ भी सुविधा नहीं कर रहा क्या। बात सिर्फ व्यवस्थाओं पर सवाल तक ही सीमित नहीं है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं यात्री सड़कों पर बवाल काट रहे हैं, जनपद मुख्यालय में जाम लगा हुआ है, कहीं स्कूलों के शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाए तो कहीं यात्रियों का कहना है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें कमियां हैं। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी मुश्किल से मिल रहा है, दिन रात यात्री गाड़ियों में ही बिता रहे हैं, पर आस्था है दर्शन तो करके जाएंगे। के नाम पर क्या है कि सारे होमगार्ड ये वो लगा रखे, इनके बस का है नहीं। कोई प्रशिक्षित आदमी जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतनी गाड़ियां जो ये बता रहे 400 500 600 जो भी गाड़ियां हैं, इतने का मैनेजमेंट दिल्ली में एक मतलब रोड में हो जाता है। और ये रूट का बता रहे कि ये जो है ना कि नहीं आ रही है गाड़ियां वापस, नहीं वापस क्यों नहीं आ रही, आखिर जब गई गाड़ियां बोलते दो दिन से नहीं आई, एक दिन से नहीं आई, इनका तो व्यवस्था होना चाहिए था एक्चुअली। और कोई भी आदमी आप देखे होंगे डीजीपी, कोई ट्रैफिक की चिंता नहीं, कोई भी आपको बड़ा ऑफिसर, आप भी आए होंगे यहाँ से, कोई भी आपको बड़ा ऑफिसर रोड पर नहीं दिखेगा, सारे एयर कंडीशन में, सब मजे ले रहे हैं। आपकी आपने पर्ची काटी ना, आप फिर आपने यात्रा की पर्ची तो काट दी,
और यात्रा की पर्ची आपने काट दी, आपको पता है कितने लोग आ रहे हैं, तब आपको एयर कंडीशन में क्या सोना, आपको यात्रियों के लिए व्यवस्था करनी है। और सबसे जो यहाँ बुरी बात है कि जो सारे पुलिस वाले जानबूझ के जाम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं आपको मैं सच्चा घटना बता रहा हूँ। आप किसी भी होटल का चले जाइए, यहाँ सर्वे करा लीजिए, कोई भी होटल यहाँ पे लाइसेंस ही नहीं है, किसी के भी रजिस्टर्ड नहीं, कुछ नहीं है, सब 500 के लायक नहीं है, सब 5-5 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। आप अभी चले जाइए हरसिल, 5 हज़ार में आपको जो है ना टीना का झोपड़ा मिलेगा। वहीं बढ़ते जाम को लेकर उत्तरकाशी पुलिस का कहना है कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिसको नियंत्रण करने के लिए एक साथ 600 से 700 वाहनों को एक साथ भेजा गया है। जल्द ही यातायात कंट्रोल में हो जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी दलीलें देने में लगे हुए हैं। जिस तरह से चारधाम यात्रा हमारी 10 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुले हैं और यात्रा स्टार्ट हुई है, उसके पहले ही दिन से जो है अप्रत्याशित तौर पे जो है भीड़ है गंगोत्री और यमुनोत्री में आना चालू हुई है। यमुनोत्री में लगभग 45% यात्री जो है पिछले साल से बढ़ा है, और जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में यात्री आया है, तो जो 2-3 दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बट आज जो है अभी लगभग 9 बजे ट्रैफिक जो है गंगोत्री की तरफ चला है उत्तरकाशी से, लगभग 600-700 बस चली हैं और वो अभी लगभग 11-12 बजे तक गंगोत्री तक पहुँचेंगी और एक साथ 10,000 यात्री पहुँचेगा। ये जो 10,000 यात्रियों का जो ये हमारा जो ये कहेंगे यात्रियों का बैकलॉग है आज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी पुलिस जो है यात्रा को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और ये जो ट्रैफिक है आज शाम तक जो है पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा और कल से यात्रा अपने निर्बाध रूप से दिव्य रूप में चलती रहेगी। 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई तो पहले दिन से ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे। यात्रा आरंभ होने के पहले दिन ऋषिकेश में ऑफलाइन काउंटर पर हंगामा, तो यात्रा शुरू हुई तो एक साथ केदारनाथ में ज्यादा भीड़ दिखी। उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जाम की खबरें सामने आई। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले तो वहाँ स्थानीय लोगों के साथ ही बंडा समाज की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। सर, जब से इस उत्तरकाशी के क्षेत्र में प्रवेश किया है, यहाँ के स्थानीय पुलिस और होटल एसोसिएशन का कोई ऐसा एक दूसरे का कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड के तहत सबको रोक रोक करके, ये पहले बीच में तो 2 जगह ये कहा गया कि यदि आपका कोई होटल उत्तरकाशी में या उसके पहले कोई बुक है तो आपको जाने दिया जाएगा। फिर हमने कहा भाई हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, कहा हम नंबर दे देते हैं होटल वालों को, होटल वालों को नंबर देंगे, होटल वाले पैसे मंगाएंगे, वो होटल वालों को पैसे डाले जाने पर होटल वाला कहेगा भाई हम 5,000 रुपये प्रति कमरे के लेंगे, तब जो है वो उसको ऑनलाइन पैसा दिया जाएगा, तब वो कहेगा हाँ मैंने बुक कर लिया है, तब आपकी गाड़ी को छोड़ा जाएगा। और यहाँ कोई बड़ा अधिकारी है नहीं और ऐसी अव्यवस्था आज तक कभी देखी नहीं गई। साल 2023 में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना था। इस बार 24 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लाखों लोग दर्शन के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दावा है इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन सवाल है इन व्यवस्थाओं के साथ कैसे। हॉर्नबिल टीवी के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ही 5 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है और अब ये आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। 6 लोग श्रद्धालुओं की मौत के बाद जहां विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं सरकार भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। देखिए, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है स्वास्थ्य मंत्री का। पहले तो वो जो है अपने प्रदेश में मौजूद ही नहीं रहते, लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, प्रदेश के जो है लोग उनको ढूंढ रहे हैं, श्रद्धालु उनको ढूंढ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है इन मौतों की जो चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही हो रही है।
उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसको लेकर सरकार सख्ते में दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 श्रद्धालुओं की मौत यमुनोत्री धाम में हुई है, जबकि 5वें श्रद्धालु की मौत बद्रीनाथ धाम में हुई। आनंद फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया के सवालों पर मंत्री ने कहा कि हृदय गति रुकने से यात्रियों की मौत हुई है। देखिए, अभी तक जो चार धाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो रस और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है SOP की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 50 साल से अधिक उम्र के लोगों से अपील की कि पहले लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकने के बाद यात्रा प्रारंभ करें। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मंत्री पहले अपने प्रदेश में मौजूद नहीं रहते हैं, लगातार प्रवासी मंत्री बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चार धाम यात्रा में हो रही मौतों की जिम्मेदारी किसकी है, शुरुआती दौर में ही मौतें होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने बड़े दावे किए, लेकिन अब सरकार यात्रा में हो रही मौतों को लेकर कह रही है कि श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में नहीं हुई। ऐसे में ये गंभीर विषय है कि सरकार श्रद्धालुओं को अस्पताल तक मुहैया नहीं करा पा रही है। 21-22 और 22-23 का आप आंकड़ा उठा लें, रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई थी और 22-23 में तो बाद में आंकड़े जारी करने ही बंद कर दिए थे। इस बार आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर स्थिति में है, अब आप कह रहे हैं कि जो है कि श्रद्धालुओं की मौतें जो है हॉस्पिटल में नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ये तो और गंभीर मामला है कि जो है श्रद्धालु हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं आप, उनकी जो है मौतें रास्ते में ही हो जा रही हैं। आखिर कि इस प्रदेश में उनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कौन उनके स्वास्थ्य की जो है रक्षा करेगा? केवल अखबारों में जो है हेडलाइन मेंटेन करने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। हमने पहले भी सुझाव दिया था कि चार धाम यात्रा मार्ग पर जितने भी CHT सेंटर हैं, जितने भी जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और चार धाम यात्रा के जहां पड़ाव स्थल हैं वहां पर जो है विशेष व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य की जाए, वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक होने चाहिए, जो है उपकरण मौजूद होने चाहिए। लेकिन आप देखिए कि लोगों की मौतें हो रही हैं और व्यवस्थाएँ जो है नदारद हैं। केवल जो है स्वास्थ्य मंत्री अब लिपापोति के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो वो वास्तविकता है, वो किसी से छुपी भी नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर BJP की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो दुखद हैं। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस में एक एक चीज बताई गई है, अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो यात्रा न करें और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो गाइडलाइंस के मुताबिक सारा सामान लेकर चलें, क्योंकि हर राज्यों का अलग अलग क्लाइमेट रहता है। विपक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की पूरी कोशिश है किसी भी तरह सरकार को बदनाम किया जाए। देखिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर साल हमको देखने को मिलती है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो, और दुखद है लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है और उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो यात्रा भी ना करें, और अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो वो हॉल्ट लेकर करें, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, बिना भिन्न भिन्न का जो क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है हर राज्य का, तो एकदम से ठंडे में आना दिक्कत कर जाता है, कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गाइडलाइंस में हैं। और जहाँ तक ये विपक्ष वाली बात है, देखिए विपक्ष तो अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई उस दिन से ही, पहले दिन से ही रोने शुरू हो गए हैं, तो इनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि सभी सरकार की सभी जो तैयारियाँ हैं और जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वो दुरुस्त हैं। हमारी प्रत्येक टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है
है और हर प्रकार से शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा एक संदेश बाहर जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो क्राउड है, क्राउड इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम लोग जो हैं हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि हमारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, तभी इतना क्राउड आ रहा है। तो ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करती बार भी सब चीज़ें बताई जाती हैं कि किन लोगों को जो है किस समय पे यात्रा करनी है। तो इस चीज़ का हम श्रद्धालुओं से भी आग्रह करते हैं कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमारी तरफ से जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी तरफ से सुविधाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और हम लगातार उनको और ज़्यादा मजबूती से करने के लिए काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही जिस तरह से बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो यात्रा की लोकप्रियता के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए उम्मीद जगाने वाला है। लेकिन शुरुआती दौर में ही 5 श्रद्धालुओं की मौत होना कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। श्रद्धालुओं की मौत की वजह भले ही जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।